कोलकाता, जिसे भारत का सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पूरे साल बहुत तरह तरह के त्योहारों के साथ लोग यहाँ पे हमेशा खुश रहते हैं। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कोलकाता में बहुत सारे जगह ऐसे हैं जिन्हें हॉन्टेड मान लिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर लोगों ने कुछ अजीब अनुभव किया है जो कि हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। और उन्हीं हॉन्टेड जगहों में से एक रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन के बारे में बात करेंगे हम इस पूरे वीडियो में। रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन कोलकाता के सबसे बिजिएस्ट स्टेशन में से एक है, जहां पर पूरे दिन लगभग लोगों की चहल पहल रहती है। यह स्टेशन कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड पर स्थित है और पूरे दिन बहुत सारे मेट्रो ट्रेन इस स्टेशन पर से गुजरते हैं। लेकिन पिछले कुछ दशकों में इस स्टेशन पर बहुत सारे लोगों ने सुइसाइड अटेम्प्ट किया है और बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या भी की है, और इस स्टेशन पर बहुत सारे लोगों की जान गई है। और एक कैलकुलेशन में ऐसा भी सामने आया था कि कोलकाता के 80% से ज़्यादा सुसाइड इसी स्टेशन पर सामने आते हैं, जो कि इस स्टेशन को काफ़ी वियर्ड बना देता है। और इसी के कारण इस स्टेशन को पैराडाइज ऑफ सुइसाइड भी कहा जाता है। यह स्टेशन कोलकाता के सबसे बड़े मेट्रो स्टेशन में से भी एक है, और दूसरी तरफ इस स्टेशन को हॉन्टेड माना जाता है, क्योंकि लोग ऐसा मानते हैं कि जिन लोगों ने इस स्टेशन पर सुसाइड किया है उनकी आत्मा अब भी घूमती है यहाँ पे। आए दिन रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन के बारे में भूत वाली कहानियाँ लोगों के मुँह से सुनी जाती है कोलकाता में, और पिछले कुछ सालों ने लोगों ने यहाँ पर जाना भी कम कर दिया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह स्टेशन उनके लिए अब सेफ नहीं है। उस स्टेशन पर गए हुए लोगों ने ऐसा भी कहा है कि उन्होंने स्टेशन पर कुछ अजीब से क्रिएचर्स को देखा है, जिसे हम आम भाषा में भूत या आत्मा कहते हैं, और इसी के कारण इस स्टेशन को हॉन्टेड स्टेशन के लिस्ट में जगह मिल गई। जब रात के 10:24 बजे इस स्टेशन पर से यहाँ की लास्ट मेट्रो ट्रेन गुजरती है, तो उसमें बैठे पैसेंजर्स ने दावा किया है कि उन्होंने किसी भूत या आत्मा को इस स्टेशन के ट्रैक पर दौड़ते देखा है। और उन्होंने ऐसा भी कहा है कि थोड़ी देर बाद वह क्रिएचर इनके सामने पूरी तरह से गायब हो जाती है। सिर्फ स्टेशन पर ही नहीं, लोगों ने ऐसा भी कहा है कि ट्रेन्स में भी वह कुछ अजीब अजीब से लोगों को देखते हैं जो कि उनके आंखों के सामने ही गायब हो जाते हैं। और इन सभी चीज़ों का रहस्य आज तक कोई भी नहीं सुलझा पाया है। यहाँ के ट्रेन के ड्राइवर्स और स्टेशन मास्टर्स ने भी कहा है कि जब रात होती है तो उन्हें स्टेशन के बाहर से बहुत अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं, कभी कभी किसी बच्चे की रोने की, और जब वो बाहर निकल के देखते हैं तो उन्हें लगता है कि कोई आत्मा उनका पीछा कर रही है। और इसी डर के कारण इस स्टेशन पर लोग रात में 10:30 बजे के बाद जाना पसंद नहीं करते हैं। इसके कारण रात में 10:30 बजे के बाद उस स्टेशन पर एक भी आदमी को देखा नहीं जा सकता है। उस स्टेशन के अगल बगल रहने वाले लोगों ने भी ऐसा ही दावा किया है कि उन्होंने भी वहाँ पर कुछ भूत और आत्माओं को देखा है। तो अंत में सवाल ये उठता है कि इस स्टेशन के बारे में कही जाने वाली रहस्यमय कहानियाँ और भूतों की घटनाएँ सच है या नहीं। तो मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे यहाँ पर जाने का आज तक मौका नहीं मिला है। और मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि रात में 10:30 बजे के बाद इस स्टेशन पर जाने की कोशिश नहीं कीजिएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि सच्चाई सोच से भी ज़्यादा खतरनाक हो। ऐसी ही एक और डरावनी कहानी और रहस्यमय वीडियो के साथ हम जल्द मिलेंगे। तब तक बाय और जय हिंद।